नमस्कार सन भाइयों, मंडी भाव इंदौर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल सिंह चौहान, आज दिनांक 2 अगस्त 2024, हमें इंदौर चोइथरा मंडी में। चलो एक छोटी जानकारी आपके लिए, लहसुन प्याज दोनों की आवक है आज कम देखने को मिल रही है। और लहसुन की आवक है क्यों कम है ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि लगभग किसानों को जानकारी हो चुकी है जो होने वाला है मेरे को लगता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है लहसुन की आवक है इंदौर मंडी में कम क्यों देखने को हमें मिल रही है। तो चलिए आगे हम लहसुन प्याज दोनों की आवकें देखेंगे। चलिए देख लेते हैं प्याज की आवक, जो कि आज कल के मुकाबले और कम लग रही है। देखिए आप इस साइड, देखिए आप ये, जबकि एरिया पूरा भरा हुआ रहता है। आज देखिए आवक कह सकते हैं हम, प्याज की आवक हमें कम देखने को मिल रही है। दादा आई गया, जैसे आप देख गया प्याज की आवक कल से भी कम लग रही है अभी फिलहाल कंडीशन। दादा देख, और आप देखेंगे भवन साइड भी, तो भवन साइड भी कल से कम आवक है। देखिए कल के मुकाबले प्याज की आवक कम देखने को मिल रही है। आप मानिए मोटा मोटा 35 से 40 हज़ार कट्टों के लगभग की आवक इंदौर चोइथरा मंडी में हमें देखने को मिल रही है, 35 से 40 हज़ार। देखिए अब लहसुन की आवक की बात कर ले हम। देखिए लहसुन की आवक है तो कम है, और कम का कारण मेरे को लगता है किसानों को पता चल गया। लहसुन की आवक आप देखेंगे ना तो मात्र 6 से 7 लाइन है बस, इससे ज्यादा लाइन नहीं आज। तो आप मानिए, देखिए अभी 6:30 बजे थोड़ी बहुत आवक हो सकती है, 4.5 से 5 हज़ार कट्टों के लगभग की आवक किसान भाइयों आप इंदौर मंडी में लहसुन की मानी, 4.5 से 5 हज़ार कट्टों के लगभग आवक कह सकते हम कल के मुकाबले कम देखने को मिली है दोनों की ही आवक है, लहसुन हो या प्याज हो। देखिए आप तो एक ओवरऑल देख ले तो 35 से 40 हज़ार कट्टे की आवक मानिए आप प्याज की, और 4.5 से 5 हज़ार कट्टों के लगभग की आवक मानिए आप लहसुन की। चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में।